लॉकडाउन के दौरान पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों में से एक महिला ने रास्ते में सड़क पर बच्ची को जन्म दिया। जन्म देने वाली महिला पिछले 3-4 दिनों से तपती धूप में खेतों में रह रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन मजदूरों को कोई मदद नहीं दी गई। जब मामला मीडिया के सामने आया तो पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ और मौके पर पहुंचकर महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत लॉकडाउन के दौरान पलवल में देखने को मिली। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में सबसे अधिक समस्या प्रवासी मजदूरों को आ रही है, क्योंकि उनका मजदूरी बंद हो गई है और उनके सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। लेकिन इन मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पलवल में KMP एक्सप्रेसवे के रास्ते पैदल अपने गंतव्य राजस्थान जा रहे मजदूरों में से एक महिला ने सड़क पर तपती धूप में बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने वाली महिला व उसके साथी मजदूर गांव रतिपुर के खेतों में तपती धूप में रह रहे थे, लेकिन 3-4 दिन तक भी इन मजदूरों को किसी ने कोई सुध नहीं ली। किसी ने फोन के जरिए इनकी समाज सेवी संस्था रोयटरी क्लब संस्कार पलवल को दी। रोयटरी क्लब संस्कार पलवल व मीडिया की टीम मौके पर पहुंची और इन मजदूरों का हाल देखा तो दिल दहल उठा। जन्म देने वाली महिला की साथी महिला कमला ने बताया कि वे पिछले 10-12 दिनों से पैदल चल रहे हैं और उनके गंतव्य राजस्थान जा रहे हैं। कमला ने बताया कि उनका किसी ने कोई मदद नहीं की और कई दिनों से उन्होंने खाना तक नहीं खाया। रोयटरी क्लब संस्कार पलवल की चेयरमैन डॉक्टर अंजलि जैन ने बताया कि जैसे ही उनके इन मजदूरों की सूचना मिली तो वो टीम के साथ मौके पर पहुंची। टीम की तरफ से नवजात बच्ची को कपड़े दिए गए और उनकी मां को ज़रूरी सामान दिया गया। बाकी मजदूरों को भी खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया। मामला मीडिया के सामने आते ही पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। महिला व उसकी बच्ची को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी, अभी 2 दिन पहले आपको ये बच्चा हुआ है, कहाँ पर हुआ था ये बच्चा? हुआ तो यहाँ पर ही था, रोड पास ही। बाबूजी जो पैदल चल रहे हैं अब। अच्छा, कहाँ कहाँ जाओगे? अभी राजस्थान जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं बाबूजी। अब कितने दिन हो गए चलते चलते, खाना वाना कब से नहीं मिला है? खाना वाना नहीं मिला बाबू जी, कम से कम 15 दिन हो गया चलते चलते। जो खाए दिन खान दो दिन ऐसे चल रही है। जो तो बच्चे के लिए कोई मेडिकल सुविधा दी गई? नहीं कही बाबू। कितने दिन हो गए खाने को? कल मिला था शाम की, आज मिला। जो खा ये दिन से खान दो दिन से। दोनों टाइम खाना मिला या एक टाइम मिला? ये टीम में ही मिलता है। मुझे किसी का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि 2-3 दिन पहले ही एक लेडी ने खेत में एक बच्ची को जन्म दिया है और चिलमिलाती धूप में वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। उस बच्ची के तन पर कपड़ा भी नहीं है। तो मैं तभी अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ वहाँ पहुँची और मैंने उस बच्ची को कपड़े प्रोवाइड कराए और थोड़ा खाने का सामान भी दिया। कितने साल की बच्ची थी वो? वो केवल 4 दिन की बच्ची थी। और क्या क्या आपने उनको मदद की है? मैंने उस बच्ची को कपड़े प्रोवाइड कराए, उसको टॉवल में पहले रैप किया, उसके बाद मैंने उस बच्ची को कपड़े पहनाए। उस बच्ची के तन पे कपड़ा नहीं था, वो एक फटे हुए चीथड़े में लिपटी हुई थी और बहुत ही तेज धूप थी और वो अपनी माँ के आंचल में लिपटी हुई थी। तो उसको देख कर भी बहुत ही मतलब बहुत हार्ट टचिंग सीन था वो। और मैं तभी उस बच्ची को कपड़े पहनाने में लग गई और मैंने उस बच्ची के लिए मैं थोड़ी और ज़रूरत की चीज़ें भी लेकर गई थी। आपने उसकी माँ के लिए क्या मदद की थी?
उसकी माँ से मैंने पूछा था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसने अपनी कुछ लेडीज़ की कुछ चीज़ें उसने मुझे बोला, तो मैंने उसको वो प्रोवाइड करा दी थी।